अच्छा मतलब ठीक है, अनदेखा कर देते उन्हें, इग्नोर कर देते, जो बातें सुन के आपकी दिमाग खराब हो वो सुन नहीं रहे। गाइस हमारी चाय डल रही है, मसाला चाय। तो हेलो गाइस, दिस इज हैरी फ्रॉम फूड अफेयर। सो आज हम आए फरीदाबाद, फरीदाबाद में आए हम बीटेक चाय वाली, और ये रही यहाँ पर बीटेक चाय वाली। सो हेलो मैम, कैसे हो आज? बढ़िया सर, आप बताओ। बढ़िया मैम। तो मैम कौन सी चाय बना रहे हो हमारे लिए? मसाला चाय। मसाला चाय बन रही गाइस हमारी, ये रही। सो मैम कुछ शॉप के बारे में बताओ कि कैसे लगाई, और मतलब कैसे सोचा आपने, आइडिया कैसे आया माइंड के अंदर? एक्चुअली सर मेरे को बिजनेस का स्टार्टअप चाहिए था, करना ही था। ठीक है, छुट्टी भी चल रही थी, दो उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए थे, तो मेरे को टाइम भी मिल गया। अच्छा, साथ में दो। तो मैम आप वैसे कॉलेज कर रहे हो या मतलब क्या कर रहे थे? मैं कॉलेज में हूँ। अच्छा, सेकंड ईयर में हो। अच्छा, तो सेकंड ईयर के साथ साथ मतलब स्टडी करते करते आप चाय वो कर रहे हो सेल है? मतलब जब बिजनेस करना ही है तो आप 4 साल लेट करके करो। हाँ, इससे अच्छा आप अभी से स्टार्टअप क्यों ना करो। अच्छा, और जैसे घर वालों को पता चला तो रिस्पॉन्स क्या था? पहले आपने बताया नहीं बताया? पता था, फिर वीडियो देख के सबको चल गया, फिर अच्छा दिन तक बंद भी था। अच्छा, पता चलने के बाद घर वाले यहाँ आ गए थे। अच्छा, घर वाले यहाँ पर आ गए थे। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बट अभी सब कुछ सॉर्ट आउट है। मतलब आप वो खुश हैं? नहीं, खुश तो नहीं है, पर मान गए मतलब। हाँ, कहीं ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने मेरे को टाइम दिया है। अच्छा, टाइम पीरियड दे रखा है। मैंने मांगा है कि मेरे को थोड़ा सा टाइम देके देखो, अगर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, बट हटूंगी तो फिर भी पे खड़ी हूँ। मतलब गिव अप नहीं करोगे, अपना चलते रहोगे? बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितने दिन बाद पता चला वैसे घर वालों को, जैसे आपने स्टॉल लगाया था चाय का, तो कितने दिन बाद पता चला? 20 दिन बाद उनको पता चल गया था। 20 दिन बाद पता चला। अच्छा, तो वैसे आपका आइडिया कैसा आया माइंड के अंदर कि मतलब चाय का स्टॉल लगाना है? जैसे आप स्टडी कर रहे हो तो कुछ नॉलेज होती है, कुछ नॉलेज होती है ना मतलब किसी चीज की, जैसे मतलब कोई बिजनेस करनी है, कोई जॉब करना है, इंटरनेशनल हो गया, डोमेस्टिक हो गया, बीपी हो गई, तो मतलब अच्छा अच्छा स्विच कर दिया। ऐसा है कि बहुत कम पैसे में स्टार्टअप कर सकते हैं। हाँ, ये तो है बात, सही बात है, या तो आप हैंडल भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं ये क्या डालू, चाय पत्ती है, मसाला है आपका? जब जीरो से शुरू होता है तो आप जब अपने टपरी पे खड़े होकर खुद से स्ट्रगल करते हैं तो अच्छा मजा अलग ही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने टाइम हो गए मैम ऐसे आपको करते हुए? 2 महीने हो चुके पूरे पूरे, पूरे पूरे 2 महीने हो चुके हैं। अच्छा, तो मैम आपको कुछ ऐसा नहीं लगा मतलब उठपटंग थोड़ा सा लगता है ना, मन में डर रहता है कि जैसे यहाँ का मतलब रिस्पांस कैसा है, ऑडियंस कैसी यहाँ की, मतलब कस्टमर आते हैं कोई कैसे अलग अलग बिहेवियर कर? हाँ सर, वो होता है, हर टाइप के लोग आते हैं। हाँ, तो कैसे हैंडल कैसे करते उस चीज को? एक्चुअली अगर जो लोग पॉजिटिव बोल रहे होते थैंक यू, हाँ हाँ, स्वागत है, जो नेगेटिव बोल रहे हैं रिस्पॉन्स ही नहीं। अच्छा मतलब ठीक है, अनदेखा कर देते उन्हें, इग्नोर कर देते, जो बातें सुन के आपकी दिमाग खराब हो वो सुनना ही नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब आप मेरे को ये बताओगे आपने ये चूज ही क्यों करा बीटेक करने के बाद में, मतलब बीटेक से चूज क्यों करा? एक मतलब नजरिया होता है ना देखने देखने का कि मतलब चाय ही चूज करने, तो मतलब क्या था, एक शौक था या मतलब कुछ ऐसा वो था, या माइंड में शुरू से ही था कि मतलब चाय का स्टॉल ही मतलब एकदम? अच्छा, तो बहुत बड़ा झूठ बोल रही हूँ, शुरू से ही था कि मैं चाय ही बेचूंगी, होता तो मैं बीटेक, मैं बीबीए कर रही थी। हाँ, बहुत कुछ कर सकते थे साथ साथ, लेकिन मेरे को ये था कि पहले था कि हाँ चलो बीटेक करना है, अच्छा कंपनी में होना है ये, बट उस तक भी यही माइंड में था मेरे को बिजनेस करना है। अच्छा, ज्यादा टाइम तक कंपनी में भी वर्क नहीं करना, मेरे को अपना स्टार्टअप चाहिए, मेरे को बिजनेस चाहिए। अच्छा, 11th में मेरा माइंड फिक्स हो गया था। अच्छा, बिजनेस करना है, बट यही नहीं समझ रहा करना क्या है। अच्छा ठीक है, उसके बाद जब मैं यहाँ पे जब बैठी थी छुट्टी में, तो मेरे को लगा था अब तो कुछ करना ही है। अच्छा, अब और नहीं बैठ सकते, और अभी सही मेरे को अर्निंग करनी ही है, अब अपने मतलब अपने दम पे एक होता है ना इंडिपेंडेंट बनना, बिल्कुल मेरे को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जब फैमिली वाले बोलते हैं मेरे को पैसे भेज, अभी भी उन्हीं के पैसे भेज। अच्छा, बट मेरे को ऐसा है कि मतलब आप सच बोल रहे हो बिल्कुल। हाँ, है मतलब कोई झूठ नहीं बोलना, ऑनेस्टी चल रहा है, चलो अच्छी बात, ये सबसे अच्छी बात है। और मेरे को था कि मेरे को अपने मतलब जितना जल्दी हो सके, ऐसा नहीं कि लोग सोचते हैं मैं 25 में जाके इंडिपेंडेंट। हाँ सही बात है, मेरे को बहुत कम एज में चाहिए था कि जल्दी कवर अप हो जाए सब कुछ ना, अपने अपने पैर पे खड़े हो। हाँ तो कुछ कर सको। हाँ, तो पेरेंट्स भी यही चाहते हैं ना, हर कोई यही होता है, तो मतलब एक कुछ मन पेरेंट्स का मतलब कुछ ऐसा तो रिस्पॉन्स होगा ना, या मतलब कोई बुरा होगा, या गुस्से में पेरेंट्स अभी भी गुस्से में? जैसा आप सबको पता होगा गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, तो उनके लिए काम बहुत ही खराब है। मेरी मम्मी अभी मेरे साथ में रह रही है, तो आने से पहले मुझे बोलती है बेटा तुम वहाँ कितना कमाती है, मैं तेरे को रोज पे करूँगी, तू वहाँ नहीं जाएगी। अच्छा, ऐसे बोलते हैं? क्योंकि उनके लिए काम बिल्कुल सही नहीं। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत तो लगता है, वो अपने जगह पे सही है, उनका जो थॉट है सही है, लेकिन हमें पता है कि हमें क्या करना है। हाँ, और आपको जो काम करके खुशी मिलती है आप वो करो ना।
वैसे मैम आपका मतलब एक जो बोलते हैं ना अभी वो मतलब गांव कहाँ पर है, मतलब जहाँ आपसे आए आए हो कहाँ से? Actually, रहते दिल्ली से ही हो? अच्छा 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 नहीं करना है, अच्छा अच्छा तो मतलब दिल्ली में आप रहने आए हो ना, मतलब स्टडी के लिए? कितना टाइम हो गया आपको वैसे? दो साल होने वाले। तो मतलब आपने यही जगह के चूज करी, लोकेशन तो और भी है? अच्छा, तो आप पास में ही रहते हो, मतलब तभी आपने ये लोकेशन चूज करी ना? क्योंकि यहाँ पे जैसे रिस्पांस थोड़ा कम मिलता है लोकेशन की वजह से। अगर मैं लोकेशन कहीं चेंज करती तो बीइंग अगर रात बजे, रात में 10 बजे के बाद आना बहुत मुश्किल है। हाँ बहुत मुश्किल है, ये तो बात सही है। लड़की को आना, आप सब समझ? हाँ हाँ समझ गए ये बात को। सो गाइस थोड़ा सा मैम से हम प्राइस के बारे में पूछते हैं। मैम हम टी का प्राइस बताओगे अपनी चाय का? हाँ जी, नॉर्मल चाय 10 की है, मसाला 20 की है, लेमन टी 20 की है। अच्छा, और सबसे बिकने वाली ज़्यादा भी मसाला चाय है ना, उसका रिजल्ट भी अच्छा है, ज़्यादा बिकती है। गाइस मैम का बैनर ये रहा। मैम आपका पीछे ही बैनर लगा था ना, आई थिंक सो। अच्छा चेंज भी हुआ है ना, समझ। हाँ हाँ अच्छा, ऐसे क्वेश्चन ना पूछ रहे हो मतलब अभी परेशान हो गई मैम ये सब। हाँ शादी वादी सब बेकार चीज़ें हैं मैम। पहले आपका जो गोल है वो तो पहुंचा, वहां पहुंचा भाई। गोल कंप्लीट करो, ये बात तो सही है, सोच अच्छी है मैम। ये गाइस हमारी चाय डल रही है, मसाला चाय। अभी मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि लोगों के लिए फर्स्ट टारगेट शादी हो गया है, शादी कर लो। स्मार्ट हो ना मैम, इसलिए लोग सोच रहे हैं। स्मार्ट होना, इसलिए लोग सोच रहे हैं। स्मार्ट लोग बहुत मिल जाएंगे, पहले काबिल तो बनो। काबिल बनो, सही बात है। सुमा मैं चाय हमारी डाल लो। सो गाइस अभी जो है चाय हमने ले ली थी और मेकिंग आपको दिखा चुके हैं, और इनका एड्रेस पड़ता है फरीदाबाद ग्रीन फील्ड कॉलोनी ना, गेट नंबर 4 के पास। और अगर चाय ये रही और चाय का टेस्ट बताऊं तो भाई एक नंबर चाय है। चाय में मसाले का भाई टेस्ट अच्छा है, मैं सच बता रहा हूँ, इसमें मतलब कोई मतलब झूठ नहीं है। ऑनेस्टली बोलूँगा तो भाई चाय में एक नंबर टेस्ट है। तो मैं खुद बोलूँगा एक्सपीरियंस साथ, अगर यहाँ पर मतलब चाय पीने एक बार टेस्ट करने आओ यार, ज़रूर आओ, बहुत अच्छा। और मतलब सपोर्ट करो उतना अच्छा है, मतलब लड़की होके भी खड़ा होना और काम करना बहुत बड़ी बात होती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना फॉर भी नोटिफिकेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और इस चाय को इन्जॉय करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।